नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th of January 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन के PDF आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन के PDF को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। आप लोग हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि है avision.co.in। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई यहाँ पर हम कोर्स लॉन्च करते हैं रिलेटेड टू WBCS और SSC और रेलवे और बैंक, बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर आपको इन सभी कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों, उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जितनी भी चीजें सब कुछ जहाँ हमारे वेबसाइट या हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आ रहा है उसका पूरा जो आपका दोस्तों कंटेंट है वो आपको ऐप पर भी शो करेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप अंडर दी वन रूफ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आज हम लोग टॉप 10 न्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद MCQs की किस तरीके से उसके MCQs आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा राइट टू साइट, राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ठीक है, जो राइट है, राइट मतलब जो हक है देखने का, ठीक है, राजस्थान पहला ऐसा क्या बना है दोस्तों, राज्य बना है पूरे हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। क्या है ये, अंडर इट्स कैंपेन ऑफ निरोगी राजस्थान, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट। विद दिस राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव सच अ पॉलिसी। This policy has been brought with an aim to bring light in the lives of more than 3 lakh people suffering from visual impairment in the state, right? तो दोस्तों basically जो visual impairment मतलब जो लोग हैं जो कि कम देख पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख पाते, ठीक है, ऐसे 3 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों में रोशनी भरने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी चालू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है आपके, अशोक गहलोत जी, राइट। अच्छा, The prevalence rate of blindness in the country was 1.1% in the 2020, and the initiatives under the blindness control policy will help to bring down at 0.3%, right? जो अभी पूरे राज्य में blindness की आपको रेशियो अगर मैं बोलूँ तो 1.1% तक का हिसाब लगाया गया है, और इस पॉलिसी के बाद उसे घटाकर 0.3% लाने का दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस पॉलिसी के अंडर बेसिकली क्या होगा दोस्तों, एक आई बैंक होगा या फिर आप बोल सकते हो कि कैटरोप्लास्टी सेंटर यहाँ पर होगा, जहां पर क्या होंगे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर एनजीओस के या फिर जो भी लोग हैं जो कि इम्पेयरमेंट की वजह से जूझ रहे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से, तो वो जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपना टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रस्टेड हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे इस फील्ड के अंदर, और यहाँ पर इस पॉलिसी के साथ बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल एनजीओ वगैरह भी कोलैबोरेशन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आई डोनेशन का भी काम होगा दोस्तों, ठीक है, कि कोई अपनी अगर आंखें प्लेच करवा रहा है या डोनेट करना चाहता है तो वो इस पॉलिसी के अंडर यहाँ पर आकर बात कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े आई एक्सपर्ट्स, आई सर्जन, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, काउंसिलर्स यहाँ पर दोस्तों रहेंगे इस पॉलिसी के अंडर, और वो हेल्प करेंगे जितने भी विजुअल इम्पेयरमेंट होंगे उनकी, राइट। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया है, ठीक है, आगे देखते हैं कि इसकी सफलता किस हद तक दोस्तों जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन किस रूप से बन सकता है, तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद इन
ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू साइट, राइट। तो बेसिकली कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी दोस्तों इंप्लीमेंट की अपने स्टेट में, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं न्यूज नंबर टू के ऊपर। विराट कोहली बिकम्स फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट, राइट। तो विराट कोहली दोस्तों ऐसे क्रिकेटर है जो कि पांचवें नंबर पर हाईएस्ट स्कोरर बने हैं ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ए टू जेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पर दोस्तों क्या की जाएगी, बयान की जाएगी, बताई जाएगी। स्टेट स्टार क्रिकेटर विराट कोहली बिकम द फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट, ओवरटेकिंग श्रीलंकन लेजेंड महेला जयवर्धने टू एंटर इनटू टॉप फाइव। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर विराट हैड 12,652 रन इन 268 ओडीआईज एट एन एवरेज ऑफ 57.78 विद अ 45 टर्न्स एंड 65 हाफ सेंचुरी। हिज बेस्ट स्कोर इन द फॉर्मेट इज 183। एज पर रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द ओडीआई हिस्ट्री इज द इंडियन लेजेंड सचिन तेंदुलकर हु हैज स्कोर्ड 18,426 रन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद श्रीलंका के संगकारा, कुमार संगकारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के रिकी पॉन्टिंग और श्रीलंका के सनाथ जयसूर्या, ठीक है। और उसके बाद आते हैं विराट। तो यहाँ पर एक से लेकर पांच पोजीशन तक जो जो यहाँ पर एक्वायर किए हुए, जैसे पहले पोजीशन पर सचिन तेंदुलकर, दूसरे पर यहाँ पर आ जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया संगकारा, तीसरे पर आ जाते हैं रिकी पॉन्टिंग, चौथे पर आता है जयसूर्या और पांचवें पर आते हैं महान बल्लेबाज विराट कोहली, राइट। तो ये पांच दोस्तों रैंक्स हैं जिन्होंने ओडीआई हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन यहाँ पर क्या किए, स्कोर किए। तो स्पोर्ट्स के माध्यम पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फोटो आप देख पा रहे हैं विराट कोहली जी के यहाँ पर, और यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, तो स्टार इंडियन बैटर विराट कोहली बिकम्स द डैश हाईएस्ट रन स्कोरर इन हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट रिसेंटली। तो करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। अब इस पर दोस्तों हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि आपको पूछ ले कि बताइए फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पर कौन है या फिफ्थ पर कौन आए हैं। तो थोड़ा सा पोजीशन आप थोड़ा सा क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिमेंबर करेंगे दोस्तों, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर थ्री के ऊपर। रीजनल कैरियर फ्लाईबैक स्टार्ट फ्लाइट सर्विस फ्रॉम ईटानगर टू गुवाहाटी। रीजनल कैरियर फ्लाईबैक कमेंस्ड इट्स सर्विसेज फ्रॉम ईटानगर टू गुवाहाटी एंड द फ्लाईबैक कैरियर हैज कमेंस्ड फ्लाइट फ्रॉम होलंगी इन अरुणाचल प्रदेश टू गुवाहाटी इन असम। विद दिस ईटानगर बिकम्स 10th डेस्टिनेशन ऑन द फ्लाईबैक नेटवर्क विद और वाइल द थर्ड डेस्टिनेशन इन अरुणाचल प्रदेश अलोन। फ्लाईबैक फ्लाइज 6 days अ वीक टू तेजू एंड 7 days टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम गुवाहाटी। The morning flights from Itanagar to Guwahati will be operated on all days except Wednesday, right? So basically यहाँ पर Flybag ने अपनी operational commence flights को क्या कर दिया है, start कर दिया है, ठीक है। और ये अभी आपको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी ईटानगर देखने को मिलेगी, ठीक है। और इनका पूरा schedule भी इन्होंने बता रखा है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे Flybag commenced flights, ठीक है। और एयरलाइन है ये, मैं आपको बता दूं, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो रीजनल कैरियर फ्लाईबैक हैज रिसेंटली स्टार्टेड फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम ईटानगर टू डैश। तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, गुवाहाटी, राइट। आगे चलते दोस्तों, आगे की बात हम करेंगे यहाँ पर। सोल ऑफ स्टील एक्सपीडिशन टू चैलेंज हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस फॉर सिविलियंस, क्या है दोस्तों ये। इन एन एफर्ट टू टेस्ट वंस हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस A new challenge called Soul of Steel will be launched in India, spearheaded by Venture Global, which is run by veterans and supported by Indian Army. The challenge will take place in the state of Uttarakhand and is similar to the Ironman Triathlon, long distance triathlon challenge in Europe. The expedition will officially launch on 14th of January and will include 12 Indian participants and 6 international teams. With the age group of applicants being between 18 to 30 years, right? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस यहाँ पर टेस्ट किया गया, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया, सोल ऑफ स्टील, ठीक है, सोल ऑफ स्टील, ठीक है। और ये हाई ऑल्टीट्यूड एंड्योरेंस है, मतलब जो सिविल है, मतलब जो सिविलियंस है, मतलब सिविल्स जो आपके जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रायलथन करना चाहते हैं यूरोप में, ठीक है, जिनको आयरनमैन ट्रायलथन भी बोला जाता है, वो चोटी पर जाते हैं दोस्तों, ठीक है, पहुंचने की कोशिश करते हैं माउंटेन्स, तो हाई ऑल्टीट्यूड वहां पर मिलेगा,
तो उस चीज के मद्देनजर रखते हुए उनको क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत होती है ना, उस वो बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये सिंपल है। इस पर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप देखिए, राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्चेज डैश अल्पाइन चैलेंज टू प्रमोट टूरिज्म इन द बॉर्डर एरियाज, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सोल टू टी। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। जियोस्पेक्टिकल हैकेथन लॉन्च टू एनकरेज इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया, क्या है ये? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द जियोस्पेक्टिकल हैकेथन टू एनकरेज इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन इंडिया जियोस्पेक्टिकल इकोसिस्टम। स्पीकिंग एट द इवेंट इन न्यू डेली, डॉक्टर सिंह स्टेटेड दैट द हैकेथन्स गोल वॉज टू एनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट जियोस्पेक्टिकल सेक्टर्स एज वेल एज टू डेवलप द नेशंस इन्वायरमेंट एंड जियोस्पेक्टिकल स्टार्टअप। क्या है दोस्तों, देखो सिंपल बात है, स्टार्टअप को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए इनोवेशन को, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक जियोस्पेक्टिकल हैकेथन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा, ठीक है, न्यू दिल्ली में बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये बात करी है। यहाँ पर जितने भी पब्लिक है वो कोलैबोरेशन में जाएंगे बड़े बड़े सेक्टर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अपने जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेशन के लिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टार्टअप्स है और या इनोवेशन है उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल बात है, ये आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की फोटो। और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्चेस जियोस्पेक्टिकल हैकेथन टू प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन इंडियाज जियोस्पेक्टिकल इकोसिस्टम, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राइट। आगे चलते न्यूज नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। इंडिया क्लेम्ड विक्ट्री ओवर श्रीलंका बाय रिकॉर्ड 317 रन इन थर्ड ओडीआई, राइट। तो इन क्रिकेट इंडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय द लार्जेस्ट एवर मार्जिन ऑफ 317 रन इन द थर्ड एंड द फाइनल ओडीआई इन त्रिवंतपुरम केरला। विद दिस इंडिया ऑल्सो क्लीन स्वीप्ड द सीरीज ऑफ 3-0। प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ अ विन बाय लार्जेस्ट एवर मार्जिन वॉज विद द न्यूजीलैंड फॉर 290 रन विद ओवर आयरलैंड इन 2008। विराट कोहली एंड शुभनम गिल स्कोर्ड समबलाइन सेंचुरीज टू हेल्प द होस्ट पोस्ट एंड इम्पोजिंग 390 for 5। विराट कोहली प्रोड्यूस एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द थर्ड एंड द फाइनल ओडीआई ऑफ द सीरीज, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या है, इंडिया ने डिफीट किया है किसको, यहाँ पर श्रीलंका को, और बहुत ही हेवी मार्जिन के साथ यहाँ पर दोस्तों 317 रन खेला। ये गेम कहाँ खेला गया, त्रिवंतपुरम केरला में। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, थर्ड ओडीआई था, जीत चुकी है इंडिया, ये आप ध्यान रखेंगे। शुभमन गिल और विराट कोहली का बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा, ठीक है, सेंचुरीज इन्होंने इम्पोज की है 390 for 5। और यहाँ पर दोस्तों आप इस पर क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इन क्रिकेट इंडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग डैश बाय द लार्जेस्ट एवर मार्जिन ऑफ 317 रन इन द थर्ड एंड द फाइनल ओडीआई त्रिवंतपुरम केरला, करेक्ट हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका को यहाँ पर क्या किया, डिफीट किया। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। कैप्टन सुरभि जिकमोला बिकम्स फर्स्ट वेमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो कैप्टन सुरभि जिकमोला इंडियाज आर्मी 117 इंजीनियर रेजिमेंट विद द फर्स्ट वेमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरिन असाइनमेंट ऑफ BRO। द ऑफिसर विल बी सेंड टू भूटान एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट धनटक एंड BRO इज एन एग्जीक्यूटिव रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स इन इंडिया टू सपोर्ट द इंडियन आर्म फोर्स, राइट। तो यहाँ पर पहले तो आप इनकी फोटो देखिएगा, ठीक है, और ये पहली सुरभि जकमोला, ठीक है, सुरभि जकमोला क्या बनी है दोस्तों, पहली ऐसी महिला ऑफिसर बनी है जो कि BRO में पोस्ट की गई है, राइट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनके नेम पर क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। तो हु विल बी द फर्स्ट वेमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट एट BRO, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सुरभि जकमोला, ठीक है, सुरभि जकमोला। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे न्यूज के ऊपर। UK ट्रेजरी एडवाइजर क्लेयर अपॉइंट एज OECD चीफ इकोनॉमिस्ट। OECD क्या है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं आपके क्लेयर लोम्बार्डी। शी विल लीड द OECD's इकोनॉमिक वर्क रिप्लेसिंग फ्रांस लॉरेंस बूने हु हैज हेल्ड द पोस्ट इन सिंस 2018। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स है हमारे साथ और यहाँ पर रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन बनेगा। तो रिप्लेस किसको किया है, तो ध्यान रखिएगा लॉरेंस बूनी को, ठीक है, लॉरेंस बूनी को, और बने कौन है यहाँ पर, क्लेयर लोम्बार्डी।
राइट, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने। यहाँ पर इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि क्या इन्होंने पढ़ाई की है, कहाँ से की है, कितना इनका एक्सपीरियंस है वगैरह, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। बट इंटरनेशनल अफेयर्स है तो डायरेक्टली नेम पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है दोस्तों। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट चीफ इकोनॉमिस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लेयर लैम्बोर्डी, है ना। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे क्या करें, फोकस करें यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों आज के हमारे लास्ट सेशन के ऊपर, लास्ट सेशन का लास्ट सॉरी सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट्स आर्बोनी गब्रियल क्राउन्ड 71st मिस यूनिवर्स 2022, क्या है दोस्तों ये? तो यूनाइटेड स्टेट्स कैंडिडेट आर्बोनी गब्रियल हैज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2022 एट अ सेरेमनी हेल्ड इन न्यू ऑर्लियंस मैक्सिको। द क्राउन वॉज प्रेजेंटेड टू हर बाय इंडिया हरनाज कौर संधू, who had won the 2021 title, and she was handed a bouquet of flowers draped in a winner's sash and crowned with a tiara on stage on 71st Miss Universe competition. The second runner-up was Miss Dominican Republic Andrea Martins, and your Miss Puerto Rico Ashley Carneo rounded the top five finalists. So, यहाँ पर आप सिर्फ जिनका winner है उनका यहाँ पर क्या रखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे। 71st मिस यूनिवर्स बनी है ये, तो ये आपको इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, राइट। तो पहला न्यूज यहाँ पर आ चुका है, 16th ऑफ जनवरी द फाउंडिंग डे ऑफ स्टार्टअप इंडिया इज कॉमेमोरेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे एंड द इवेंट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2022, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2023 में इसका सेकेंड एडिशन है, मतलब लास्ट ईयर ही ये दोस्तों कॉमेमोरेट हुआ था, चालू हुआ था, और 2023 में इसको सेकेंड ईयर हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड द अनाउंसमेंट लास्ट ईयर बाय कॉलिंग स्टार्टअप्स एज बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्लान्ड सेवरल इवेंट्स दिस ईयर टू सेलिब्रेट द नेशनल स्टार्टअप डे अक्रॉस द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। To celebrate the spirit of Indian startup ecosystem and mark this momentous day, is organizing Startup India Innovation Week from 10th to 16th of January, right? तो यहाँ पर दोस्तों 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने दोस्तों ये अनाउंस किया है कि जो आने वाले ये जो हो रहे स्टार्टअप है, ठीक है, हमारे इंडिया के, वो इंडिया की कहीं की ना कहीं रीढ़ की हड्डी कहलाएंगे, बैकबोन कहलाएंगे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे स्टार्टअप है अक्रॉस द कंट्री जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के पार्ट भी हैं, राइट। और इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये जो इनोवेशन वीक यहाँ पर मनाया गया है 10 से लेकर 16 जनवरी तक, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, राइट। तो ये बात भी आपको समझने की, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब मनाया जाता है दोस्तों, क्या होता है और क्यों स्टार्टअप को इतनी ज्यादा क्या दी गई है, तवज्जो दी गई है। कि यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि स्टार्टअप जो है वो न्यू फेस ऑफ इंडिया बनेगा और बैकबोन ऑफ इंडिया यहाँ पर बनेगा, आने वाले भारत का दोस्तों रीढ़ की हड्डी कहलाएगा, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पर है, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है जो कि स्टार्टअप्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो देखिए दोस्तों या तो डेट पर क्वेश्चन बनाएगा या कमेंसमेंट कब हुआ था, क्योंकि अभी रिसेंटली की बात है तो इस पर क्वेश्चन बना सकता है। तो व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे ऑन जनवरी 16, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 2022, ठीक है, 2022 इसका स्टार्टिंग ईयर है। तो ये आप प्लीज थोड़ा सा मार्क करके रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर टू के ऊपर। उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया, क्या है दोस्तों ये? तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट बना है हमारे भारत का जहां पर मोबाइल गेमिंग का जो चार्ट है वो सबसे सर्वोत्तम पर है, ठीक है। तो यूपी हैज एमर्ज एज अ टॉप लोकेशन फॉर मोबाइल गेमर्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू द इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट इशूड बाय द गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ 36% ऑफ ऑल द गेम्स इन द स्टेट वर प्लेड इन लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद एंड अलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश द सेकेंड ईयर सॉ लखनऊ रैंक अमंग द टॉप सिटीज एंड आउट परफॉर्म ऑल मेजर सिटीज, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं स्टेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश दोस्तों इस लिस्ट में टॉप पर आता है, और वहीं अगर मैं बात करूं सिटी की
तो उसमें आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। ठीक है, तो ये बात आप इधर क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। हालांकि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और अलाहाबाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा गेमिंग होती है, मोबाइल गेमिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपोर्ट और इंडेसेस को हम अपने साथ में लेकर चले, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करेंट अफेयर्स का, राइट। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश एमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर मोबाइल गेमर्स अकॉर्डिंग टू द इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सेकेंड एंड द थर्ड स्टेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र एंड राजस्थान, राइट। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पोजिशन ऑफ स्टेट्स प्लीज थोड़ा सा रिमेम्बर कर लें इसको, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी प्लेस के ऊपर पूछा जा सकता है, मतलब किसी भी पोजिशन के ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो पैटर्न एग्जाम के हम अभी देख रहे हैं ना दोस्तों, उसमें जो रैंक और इंडिसेस का पैटर्न है या फिर रैंक और इंडिसेस का जो सेगमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। वायाकॉम 18 बैग्ड विमेन्स आईपीएल मीडिया राइट्स फॉर 951 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया हैज अनाउंस दैट वायाकॉम 18 हैव ग्रैब्ड द मीडिया राइट्स फॉर द अपकमिंग विमेन आईपीएल फॉर व्हूपिंग 951 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, पाइपिंग अदर बिडर्स इंक्लूडिंग डिज्नी स्टार एंड सोनी इन द ऑक्शन। The auction of the T20 league was conducted by the Cricket Board in Mumbai and the global rights comprise 3 categories of TV, TV digital combined and your social separate rights, right? ये पूरा यहाँ पर लेकर चला गया कौन? Viacom 18, right? 5 teams will compete and all the other matches will be held in Mumbai, ठीक है? और ये जो women IPL है ये likely to begin in first week of March, right? So this is very very important. कि यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको पता है वीवो करता था, मतलब बेसिकली आईपीएल है ना, वीवो फिर ड्रीम इलेवन वगैरह ये सब आए, अब यहाँ पर विमेन्स आईपीएल भी हो रहा है और उसका दोस्तों जो स्पॉन्सर्स रहेगा वो रहेगा वायाकॉम 18, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये समझ में आया और इट्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसे मार्कडाउन जरूर कर कर रखें। इस पर क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा वो बता दूं मैं आपको, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया has announced that the Viacom 18 have grabbed the media right for the upcoming women's IPL for a whooping dash, तो जो correct हो जाएगा वो हो जाएगा 951 crore rupees, right? यहाँ पर अगर दूसरा question बनाना चाहे तो Viacom 18 के नाम पर question बन सकता है या फिर बन सकता है आपका women's IPL के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। अकानी यामागुची एंड विक्टर एलेक्सन विंस मलेशिया ओपन विमेन्स मेन्स सिंगल क्राउन, राइट। तो अकाने और विक्टर यहाँ पर जीत चुके हैं मलेशिया ओपन सुपर 1000 विमेन्स एंड मेन्स सिंगल्स टाइटल इन कुआलालंपुर मलेशिया। यामागुची इज रेगिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप रजिस्टर फॉर कम बिहाइंड वेन ओवर वर्ल्ड नंबर 4 आंसे यंग। देखो इसमें क्या है, स्पोर्ट्स की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद क्या करना है, यहाँ पर आपको दो नाम याद करने, ठीक है, मेल और फीमेल प्लेयर्स के, ठीक है, जिन्होंने जीते हैं विमेन और मेन सिंगल क्राउन फॉर द मलेशिया ओपन, राइट। सिंपल बात, इसकी अगर मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से है ना, जिन दोनों के आपको नाम यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, रिकग्नाइज करने पड़ेंगे। सिंपल, देखो हर न्यूज में हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। उसका आप क्या बनाओगे, बुलेट पॉइंट बनाओगे, ठीक है। अगर आप बुलेट पॉइंट बनाते हुए चलते हो ना दोस्तों, तो आपको आपके एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में सहूलियत रहती है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के टाइम डिटेल स्टडी करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो अभी पढ़ के कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अभी पढ़कर बुलेट पॉइंट बनाने के टाइम हम उसे रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के समय पर। तो हु अमंग द फॉलोइंग वन द मलेशिया ओपन सुपर 1000 विमेन सिंगल टाइटल, तो करेक्ट हो जाएगा आपका अकाने यामागुची, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 5। फिर से हमारे पास एक स्पोर्ट्स और यहाँ पर धमाकेदार न्यूज है। बार्सिलोना बीट्स रियल मैड्रिड इन स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023। तो बार्सिलोना हैव वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द कंपटीशन वॉज रिवैम्प्ड एंड मूव टू सऊदी अरेबिया विद अ 3-1 विक्ट्री ओवर रियल मैड्रिड। रॉबर्ट गावी एंड पेड्री स्कोर्ड अ गोल फॉर ईच इन द किंग्स फहद स्टेडियम इन रियाद टू गिव बार्सिलोना इट्स फर्स्ट सुपर कप ट्रॉफी सिंस 2018। तो यहाँ पर दोस्तों बार्सिलोना जीता है किसको हराकर, रियल मैड्रिड को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इस रियाद के
दोस्तों फंक्शन में अमिताभ बच्चन भी प्रेजेंट थे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये न्यूज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां पर सिंस लियोनल मेसी लेफ्ट द पेरिस सेंट जर्मेन, और वहां पर आपके रोनाल्डो भी थे, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन एक्टर अमिताभ बच्चन भी वहां पर प्रेजेंट थे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीधा पूछेगा कि किसने किसको हराया, कौन जीता, ऐसे करके क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि डैश हैव वन द स्पेनिश सुपर कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द कंपटीशन वाज रिवैम्प्ड एंड मूव टू सऊदी अरेबिया विद अ 3-1 विक्ट्री ओवर रियल मैड्रिड, तो ये करेक्ट हो जाएगा बार्सिलोना। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। तो वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर लिस्ट, शाहरुख खान बीट्स टॉम क्रूज, राइट। तो यहाँ पर न्यूज नंबर 6 हमारे सामने आ गई है। तो बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान विद हिज मोर देन 3 decades ऑफ वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री हैज गार्नर्ड मिलियंस ऑफ फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एस्टिमेटेड नेट वर्थ ऑफ 627 मिलियन, दैट इज 770 मिलियन, है ना, डॉलर्स, मेकिंग हिम द रिचेस्ट एक्टर इन एशिया एंड द फोर्थ रिचेस्ट एक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बीटिंग फेलो इमेंसली फेमस एंड कल्ट एक्टर लाइक टॉम क्रूज, जैकी चैन एंड जॉर्ज क्लूनी। शाहरुख खान टुक द फोर्थ पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ 8 richest एक्टर इन द वर्ल्ड रिलीज बाय वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट का नाम हो जाएगा आपका वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स। और यहाँ पर मैं बता दू, टॉम क्रूज को बीट करके शाहरुख खान उनके प्लेस पर आ गए हैं और वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी इनकी बहुत फेमस मूवी पठान, ठीक है, जिसका ट्रेलर अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बिल्डिंग या लार्जेस्ट बिल्डिंग आप बोल लीजिए, बुर्ज खलीफा पर भी दोस्तों क्या किया गया, दिखाया गया था, काफी आपने रील्स वगैरह देखी होगी इसके ऊपर। तो खैर अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो डैश विद इज मोर देन 3 decades ऑफ वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री विद अ नेट मिलियन ऑफ दिस मेकिंग हिम द रिचेस्ट एक्टर इन एशिया एंड फोर्थ रिचेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो करेक्ट हो जाएगा आपका शाहरुख, राइट। आगे चलते बात करते हैं न्यूज नंबर 7। इसरो शुक्रयान 1 मिशन टू प्लैनेट वीनस रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू 2031। पी श्री कुमार द सतीश धवन प्रोफेसर एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवाइजर टू इट्स स्पेस साइंस प्रोग्राम स्टेटेड द ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट येट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वीनस मिशन दैट एज अ रिजल्ट द मिशन मे बी डिलेड अंटिल 2031। शुक्रयान 1 इज इसरोज वीनस मिशन आई वॉज लॉन्च इन दिसंबर 24 एंड द कंसेप्ट was conceived in 2012, 5 years later after the Department of Space got 23% increase in the 2017-18 budget. तो यहाँ पर जो शुक्रयान 1 का जो मिशन है वो 2031 तक शिफ्ट कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, जो अभी होने वाला था। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बजट में कितने रुपए यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं इसरो को, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आगे चीजें चलाई जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझे, वैसे मंगलयान तो प्राप्त हो गया, वैसे ही शुक्रयान भी यहाँ पर आ गया। तो इसरो शुक्रयान 1 मिशन टू प्लैनेट रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू डैश, करेक्ट विल बी 2031। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 की तरफ। 21st वरुणान नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस बिगिंस। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैरिटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द 21st एडिशन ऑफ वरुणा, ठीक है, द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया फ्रांस कमेंस्ड ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड एंड दिस एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज विल विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल स्टील डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, गाइडेड मिसाइल फ्रिजेट INS टेग एंड मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81, डॉनियर इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स एंड MiG-290K फाइटर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर आपको पहले तो मैं बता दूं कि नाम क्या है, तो वरुणा, ठीक है। उससे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर मैरिटाइम एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया के बीच में एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है, इंडिया के बीच में फ्रांस के बीच में। दोस्तों ये एक्सरसाइज क्यों की जाती है, एक्सरसाइज इसलिए की जाती है ताकि इंडिया की जो एक्सपर्टीज है या फिर फ्रांस की जो एक्सपर्टीज है, ठीक है, वो दोनों आपस में शेयर कर सके, कुछ नॉलेज हम उनसे ले सके, कुछ हम उनको दे सके, और यहाँ पर रिलेशनशिप और ज्यादा क्या हो सके, नरिश हो सके, ठीक है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द 21st एडिशन ऑफ वरुणा द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश कमेंस्ड ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, फ्रांस, ठीक है, ये क्या करेक्ट क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। आगे चलते न्यूज नंबर 9 के ऊपर, और न्यूज नंबर 9 यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, वो बात हम करेंगे। तो UN declares पाकिस्तान बेस्ड अब्दुल रहमान मकी एज ग्लोबल टेररिस्ट। दोस्तों ये क्या है,
तो यूएनएससी हैज लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मकाई एज ग्लोबल टेररिस्ट। मकाई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ लश्कर ए तैयबा चीफ ऑफ 26/11 मास्टरमाइंड हफीज सईद, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों यूएन ने डिक्लेयर किया पाकिस्तान बेस्ड अब्दुल एज ए ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है, किसको, अब्दुल रहमान मक्की को, जो कि क्या है, ब्रदर इन लॉ, मतलब जिया चीजा है किनके, लश्कर ए तैयबा जो कि मास्टर माइंड थे हफीज सईद 26/11 के दोस्तों बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, ठीक है। आपको फोटो दिखानी चाहिए, यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं, है ना। और इसके बाद में आपको मैं बता दूं उनका नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूएन ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान में रहने वाले अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल टेररिस्ट यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लिस्टेड पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट एज ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मकई। आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारा न्यूज है आप लोगों के साथ आज के लिए, न्यूज नंबर 10। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी साइंड एन एमओयू विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द न्यू लोन प्रोडक्ट कॉल्ड प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन to exclusively fund against ENWR's electronic negotiable warehouse receipt, right? So it's very very important कि आप इसे समझे कि जो आपका warehouse development regulatory authority है, यहाँ पर उन्होंने state bank of India के साथ, ठीक है, state bank of India के साथ क्या किया है, MOU यहाँ पर sign किया है ताकि जो farmers हैं उनको basically लो इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर क्या मिल सके, लोन्स मिल सके, राइट। सिंपल बात है, इजी है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन से बैंक के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ या फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूँ तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डैश टू हेल्प फार्मर्स इन द गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। तो करेक्ट हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगी। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज वहां पर मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं जिनकी हेल्प से आप एग्जाम के पैटर्न को और उसकी प्रैक्टिस दोस्तों वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस।